Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And it is my email ID, this one, and the lecture will be in bilingual mode as usual. And today I am going to discuss a topic under the theme of, you can say, digital revolution or digital education or digitalization, that is digital transparency. It is somewhat new term, less people are aware about it, and the lecture will be useful as usual. So let's start. First of all, digital transparency par hum baat karne ja rahe hain, yani ki transparency ki baat to overall ho rahi hai, lekin digital yug mein jahan sab kuch online hai, sab kuch आप कह सकते हैं कि आपका बहुत सारा डेटा, मतलब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लोगों के पास है, क्योंकि आपने कोई लिंक को टच किया है, आपने कुछ ऐसा फॉर्म भर के सबमिट किया है, तो उसमें डिजिटल ट्रांसपेरेंसी का क्या कंसेप्ट है? शुरू कहाँ से करें? शुरू करते हैं नॉलेज सोसाइटी से. क्यों? क्योंकि जो 21वीं शताब्दी में जिसमें हम जी रहे हैं वो नॉलेज सोसाइटी है, यानी कि ज्ञान का समाज की इसलिए संकल्पना की गई है कि सब कुछ जो है वो ज्ञान पर बेस्ड है. जो ये ज्ञान का हायरार्की है, उसका जो निचला स्तर है, निम्नतम स्तर है, वो है डेटा. डेटा से इसका कर सकते हैं, डेटा से ये रहा डेटा. डेटा क्या है? गिवन कंटेंट, कंटेक्स्ट है ना. डेटा जो है वो कंटेक्स्ट देता है जिससे इंफॉर्मेशन बनती है. इंफॉर्मेशन गिवन मीनिंग, इंफॉर्मेशन जब अर्थ प्रदान करती है उससे नॉलेज बनता है, और नॉलेज जब इनसाइट देती है उससे विजडम बनता है. या इधर से देखें तो डेटा सिग्नल्स नो नथिंग. डेटा का मतलब उससे आपको कोई अंदाजा नहीं लगता है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है, जो आप कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइज डेटा है वो इंफॉर्मेशन है, ये यूजफुल है, स्ट्रक्चर्ड है. जो नॉलेज है वो क्या है? कंटेक्चुअल है, सिंथेसाइज है, लर्निंग है. और विजडम जो उच्चतम स्तर पे है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग या इंटीग्रेटेड है या एक्शनेबल है. यानी कि नॉलेज से भी काम नहीं चलेगा, हमारे पास विजडम होना चाहिए एक्शन करने के लिए कि हम क्या एक्ट करने जा रहे हैं. लेकिन तब भी सब कुछ बेस किस पर है? डेटा पे. तो आप कह सकते हैं कि ये जो है वो डेटा की पावर है जो कि नॉलेज सोसाइटी में रेस्ट करता है सब कुछ डेटा पर. बेटर इंटरप्रेट द रोल ऑफ नॉलेज इन अवर मॉडर्न सोसाइटी. इन 1989 प्रोफेसर एकॉफ designed a hierarchical pyramid which find its base in data. इन्होंने एक हमको hierarchical pyramid बना के दिया जिसने कहा कि सब कुछ किस पर आधारित है? आंकड़ों पर आधारित है. आंकड़ों से सूचना बनती है, सूचना से ज्ञान बनता है, ज्ञान से हमारे पास विवेक आता है. In 2004, another schema was developed to allow us to view data, information and knowledge as distinct kinds of economic goods. यानी कि ये कहा गया कि जो data है, जो information है, ये knowledge है, ये academic नहीं रह गया है, बल्कि अब ये economic goods बन गया है, क्योंकि सारा कुछ धन की का अर्जन भी इसी पे based है. फिर basically information is an extraction from data. Information क्या है? ना data से कुछ extract किया है, वही information है. By modifying the relevant probability distributions has a capacity to perform useful work on an agent's knowledge base. यानी कि data से extract करके information बनेगा, information आपको knowledge देगी, और knowledge से wisdom आएगा. यहाँ से आप ये link कर सकते हैं कि knowledge society में data का क्या role है. और इसको clear करते हैं, data its importance in digital world. Digital world में data की क्या importance है? तो क्या importance है data की? Data become मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड्स. पिछले 10 सालों में डेटा की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है. द इकोनॉमिस्ट सेड इन फैक्ट. इकोनॉमिस्ट कहते हैं क्या कि द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स इज नो लॉन्गर ऑयल बट डेटा. पहले कहा जाता था कि कच्चा तेल जिसके पास है वही सबसे ज्यादा पूरा उसके पास, आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड को कंट्रोल करने की पावर है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जब तक नहीं होगा सब कुछ रुक जाएगा. लेकिन अब कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स तेल भी नहीं रह गया है, बल्कि आपका आंकड़ा है, कि आंकड़ा जिसके पास सबसे ज्यादा है वही सबसे रिच है. ये 2017 में कहा गया. एज एंटीसिपेटेड बाय द एकॉफ्स पिरामिड एंड स्ट्रेस्ड बाय डेविड मैककैंडल्स, डेटा कैन बी आइडेंटिफाइड नॉट एज द न्यू ऑयल बट एज द न्यू सॉइल. ये सब आपको बता सकते हैं कि डेटा की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई है डिजिटल युग में. इन द लास्ट डिकेड क्लाउड सोशल एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज अलॉन्ग विद ग्रेटर वायरलेस ब्रॉडबैंड एक्सेस अराउंड द ग्लोब हैव पुश्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी इनटू द मेनस्ट्रीम ऑफ एवरीडे लाइफ. नीडलेस टू से इसमें कोई आवश्यकता नहीं है हमको ये बताने की कि डिजिटल टेक्नोलॉजी किस तरीके से हमारी एवरीडे लाइफ में का हिस्सा बन गई है.
The result of the increasing power and reach of digital technology is the creation of massive amounts of data. और इसी ने इतना data create कर दिया है. In fact, some researchers estimate that 90% of the data in the world has been created in just past 2 years. और बहुत सारे अनुसंधानकर्ताओं ने तो ये हमको निकाल कर बताया है कि 90% जो data है world का वो just पिछले 2 सालों में create हुआ है. आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से data create हो रहा है. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई. इथिकल चैलेंजेस इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज, फिर मतलब कि डेटा है, डेटा की इंपॉर्टेंस है, डिजिटल वर्ल्ड में आप बिना डेटा के नहीं चल सकते. लेकिन अब कौन सा इशू आया, अब ये इशू इमर्ज हुआ कि जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो हम उसमें इथिकल चैलेंजेस के संग कैसे कोप अप करेंगे. मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, हम गलत ना कर दें, सही करते रहें, इसके बारे में हमें कौन गाइडलाइन देगा. तो द ओमनी प्रेजेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन अवर डेली लाइफ, जो सर्वव्याप्त है डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन गई है. इट्स यूज and its impact on organizations and individuals raises ethical questions. इसने ethical questions को जन्म दिया है about its role in our society. तो इसमें क्या क्या आएगा ethical questions में, consent and privacy. मतलब हमारी consent ली गई है कि नहीं, हमसे पूछा गया है कि नहीं हमारे data के usage के लिए, उसमें से कितना portion private रहेगा, कितना open रहेगा. सिक्योरिटी का क्या इशू है, इंक्लूजन एंड फेयरनेस का क्या इशू है, प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन हार्म. हम अपना डेटा दे दें और उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें, डेटा से इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो जाए और फिर उसका हमको ऑनलाइन हार्म तो कोई नहीं होगा. ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जिसने हमसे डेटा लिया है. तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो इथिकल चैलेंजेस के रूप में इमर्ज होते हैं जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं. इसमें से ट्रांसपेरेंसी एंड डेफिनेशन ऑफ द अंडरलाइंग मॉरल वैल्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स इज एन एसेंशियल स्टेप टू डेवलप एंड इंप्लीमेंट द एथिकल प्रोसेस. इसमें से ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है. ट्रांसपेरेंसी आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डिजिटल ट्रस्ट. हम डिजिटल युग में एक दूसरे पर भरोसा तभी कर सकते हैं जब हमको ट्रांसपेरेंसी हो, जब दिखे कि हमारा डेटा हाँ यहाँ है, सामने सामने है हमारे, हमें दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी हिडन नहीं है. हाउ डेटा इज कलेक्टेड, मैनेज्ड एंड यूज्ड इज नॉट जस्ट अ लीगल इशू, इट इज एन एथिकल इशू. यानी डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा, ये कानूनी मुद्दा ना रहकर ये अब इथिकल मुद्दा हो गया है. इन द डिजिटल वर्ल्ड ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी मस्ट बी द कोर वैल्यूज दैट गाइड प्रोफेशनल बिहेवियर. जब हम डिजिटल युग की बात करते हैं, डिजिटल संसार की बात करते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी ये इसके मूलभूत मूल्य हैं जो कि हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर हमको गाइड करेंगे कि हमको कैसे बिहेव करना है प्रोफेशनली. ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट यूज डेटा इन रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल वेज. और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने आपसे आपका डेटा सीख किया है, उनको उसको एक जिम्मेदार तरीके से और इथिकल मतलब न्यायपूर्ण तरीके से हैंडल करना है. ठीक है, अब आते हैं डिजिटल ट्रांसपेरेंसी पे. ट्रांसपेरेंसी हैज बिकम अ बज़ वर्ड इन द फील्ड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, फ्यूल्ड बाय द इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ इंटरनेट कंपनीज इन पब्लिक लाइफ एंड अलोंगसाइड देयर बेनिफिट्स आल्सो देयर पोटेंशियल फॉर कॉजिंग हार्म टू ह्यूमन राइट्स. वो कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी अब एकदम डिजिटल टेक्नोलॉजी में बहुत यूज किया जाने वाला शब्द है और जितना इंटरनेट कंपनीज ने पब्लिक लाइफ में हमारी डोमिनेंस कर दिया, उसने इसकी महत्ता को और बढ़ा दिया है. इसके बेनिफिट्स तो हैं ही, लेकिन इसके कुछ हार्म, पोटेंशियल हार्म्स भी हो सकते हैं अगर हम ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन कर रहे हैं तो. फिर ट्रांसपेरेंसी इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एज इट मेक्स देयर ऑपरेशन इन द आईज ऑफ द यूजर टू बी मोर फ्रेंडली, ईजी और सिंपली ट्रांसपेरेंट. इट इज अ कंडीशन वेयर द मटीरियल फैक्ट ऑफ एन एंटरप्राइज आर मेड अवेलेबल इन ए टाइमली एंड प्रेफरेबली रीयूजेबल मैनर. ये कह रहे हैं कि जितना भी आपका इंटरनेट टेक्नोलॉजी है उसका ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और हमें दिखना चाहिए इजी, सिंपली, ट्रांसपेरेंट, फ्रेंडली मैनर में कि डेटा यूजर को पता होना चाहिए कि उसके डेटा के संग क्या किया जा रहा है. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 वाज इनएक्टेड टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी बाय इंश्योरिंग दैट सिटीजंस आर एबल सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज. जो आप सभी ने ये RTI एक्ट सुन रखा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में इसीलिए लाया गया कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जा सके. मतलब हम किसी भी ऑफिस से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं RTI एक्ट के तहत. ये तो तब की बात है, 2005 में इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, लेकिन अब डिजिटल युग में यही ट्रांसपेरेंसी डिजिटल ट्रांसपेरेंसी हो गई है. द राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट इज दस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स एट द डिस्पोजल ऑफ द पब्लिक engage with and demand transparency and accountability from the government. ठीक है, फिर कह रहे हैं कि transparency drawing from the use of the term in relation to the universal right to freedom of information has a dual dimension. ये कह रहे हैं कि freedom of information के dual dimension, मतलब दो इसके पक्ष हैं. It covers arrangement for access to information and data as well as those for proactive disclosure.
The truth is, transparency is a multifaceted concept in digital media and a mutually agreed standard definition does not currently exist. ये कह रहे हैं कि transparency मतलब dual dimension है, मतलब कितना हमको transparent होना चाहिए data हमारे लिए, तो फिर privacy भी आ जाएगी ना, कि फिर कितना हिस्सा उसका प्राइवेट हो, कितना हिस्सा ट्रांसपेरेंट हो, कौन डिसाइड करेगा. इसीलिए चूंकि ये मल्टीफेसेटेड कॉन्सेप्ट है, इसीलिए अभी तक इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं आई है. ठीक है, फिर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसमें डिजिटल ट्रांसपेरेंसी का क्या रोल है. ट्रांसपेरेंसी इज अ कैटलिस्ट फॉर इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन दैट सपोर्ट्स ओपन लर्निंग इन मल्टीपल डिसिप्लिन्स एंड इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट. वो कह रहे हैं कि जब हम मल्टीपल डिसिप्लिन की बात करते हैं, जब हम इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो ओपन लर्निंग को सपोर्ट करता है क्या डिजिटल ट्रांसपेरेंसी. क्यों? क्योंकि आप मेरा कंटेंट देख सकते हैं, मैं आपका कंटेंट देख सकती हूँ. ट्रांसपेरेंसी प्रमोट्स इंटरएक्टिव पार्टिसिपेटरी एंड रिफ्लेक्टिव स्पेसेस फॉर क्रिएटिंग एंड कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन इन कोलैबोरेटिव वेब 2.0 एनवायरनमेंट. आपने अगर आपको वेब 1, 2, 3, 4, 5 का नॉलेज होगा तो आप जानते होंगे कि वेब 2 का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वही कोऑपरेशन है. जैसे आपका विकिपीडिया, विकिपीडिया में है ना कि कोई भी जाके उसके साइट को एडिट कर सकता है, उसके कंटेक्स्ट, उसके टेक्स्ट को घटा बढ़ा सकता है. मतलब उसमें क्लॉज लगे हैं कि आप उसमें भी कुछ है कि मतलब कोई भी नहीं लेकिन कर सकता है. तो ये कोऑपरेटिव साइट है, कोलैबोरेशन से चलती है. तो ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी के तहत ही ऐसा हो पाता है कि हम इंटरैक्टिव हो सकते हैं, पार्टिसिपेटरी हो सकते हैं और रिफ्लेक्टिव स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं. किसके लिए? कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, है ना, आई मीन इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, यूनेस्को ने 2011 में क्या कहा, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. हम लोगों ने OER का बहुत नाम सुना है. ओपन मतलब एजुकेशनल रिसोर्स, जो पढ़ने लिखने का मटेरियल है हमारा वो ओपन हो, उस पर किसी तरह की बाउंड्री ना हो. तो ओपन किसके तहत हुआ है? ट्रांसपेरेंसी के तहत ही तो हुआ है. लर्निंग और रिसर्च मटेरियल दैट आर इन द पब्लिक डोमेन. पब्लिक डोमेन का मतलब कि कोई भी उसको यूज कर सकता है. और रिलीज्ड विद एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस दैट अलाउज, किसके किसकी अनुमति देता है ये, फ्री यूज कर सकते हैं आप, इसको अडेप्ट कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. बस इसके साथ बस सिर्फ एक क्लॉज लगा है कि आपने जहां से लिया है उसको आपको ड्यू क्रेडिट देना होगा. अब ये नहीं है, ये आपका मटेरियल है. The future progress of OERs will depend on our understanding of the relationship between transparency and pedagogy in web 2.0 and mobile environments. ये कह रहे हैं कि transparency और pedagogy की relationship की understanding जो है वो OER पे depend करती है. Transparency is critical to the design of dynamic open learning spaces to enhance the way learners interact and contribute online. वो कह रहे हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्रिटिकल है. किसके लिए? कि हम डायनेमिक ओपन लर्निंग स्पेस बना पाएं. मतलब ऐसा लर्निंग स्पेस जो ओपन हो, जो डायनेमिक हो और लर्नर्स के इंटरेक्शन और कॉन्ट्रीब्यूशन को इनहेंस करे, बढ़ावा दे ऑनलाइन. ओके, और डिजाइनिंग और ट्रांसपेरेंसी डिफाइंस 8 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपेरेंट डिजाइन. ये कह रहे हैं किस डिजाइन को ट्रांसपेरेंट डिजाइन कहा जाएगा. ओके, 8 आवश्यक तत्व हैं. कौन कौन से? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें इंटरैक्टिविटी होनी चाहिए, फ्लूइडिटी होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन हो, कोलैबोरेशन हो, प्रोडक्शन हो, पब्लिशिंग हो और डिस्ट्रीब्यूशन. ये 8 तत्व जब मिलेंगे तब आपका एक ट्रांसपेरेंट डिजाइन तैयार होगा डिजिटल वर्ल्ड में. फिर ट्रांसपेरेंसी एंड वेब 2.0. ओ रीली ने डिफाइन किया कैसे वेब 2.0 को. ये कह रहे हैं कि यूजर सेंटर्ड प्लेटफॉर्म है एंड ट्रांसपेरेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोलैबोरेटिव वेब एनवायरनमेंट. ही डिस्क्राइब्ड पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग इन विच एवरी क्लाइंट इज ऑल्सो अ सर्वर. वो कह रहे हैं हर क्लाइंट जो है वो सर्वर है. Files are broken up into fragments that can be served from multiple locations, transparently harnessing the network of downloaders to provide bandwidth and data to other users. In this context, the communication between user and computer extends to a collaborative group of contributors within a computer network. क्या कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी प्रमोट्स द वे इंफॉर्मेशन इज कंस्ट्रक्टेड और रिव्यूड एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द वेज इन विच लर्निंग इज ट्रांसफॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस. ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी ही प्रमोट करती है कि इंफॉर्मेशन को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे रिव्यू करना है. और मतलब कि ऑनलाइन वर्ल्ड में ट्रांसपेरेंसी ऑनलाइन एजुकेशन में, कोलैबोरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम ट्रांसपेरेंसी का कंसेप्ट नहीं लाते तो सबका डेटा अपने पास होता, सबका कंटेक्स्ट अपने पास होता, उस पर इतने ऑब्स्टिकल्स होते, कोई किसी का मैटर नहीं देख पाता, पढ़ पाता, तो कैसे हम फिर OER की संकल्पना ही आप कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी की वजह से आई. अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सीमेंस, जॉर्ज सीमेंस कौन है, जिन्होंने MOOC लाए हैं, जो 2009 में ये कहते हैं, व्हेन समवन डिसाइड्स टू शेयर देयर थॉट्स, जब हम
क्लियर करना चाहते हैं। जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे, ये भी एक तरीका का क्या है, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी है कि मैं अपने व्यूज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर मैं शेयर ही ना करना चाहूँ तो फिर आप मेरा मैटर सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स तक रहेगा, बाकी वो तक नहीं पहुँच पाएगा। When someone decides to share their thoughts and ideas in a transparent manner, they become a teacher to those who are observing. जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, जो भी दुनिया में डिजिटल ट्रांसपेरेंसी पे मैटर देखना चाहता है, अगर उसने यूट्यूब पे जाके डिजिटल ट्रांसपेरेंसी को सर्च किया तो हो सकता है कि मेरा वीडियो उसको शो हो जाए। तो ये किसके तहत हुआ है? ये अभी आप आगे जानेंगे, क्रिएटिव कॉमन्स के तहत हुआ है, ये OER के तहत हुआ है। Simons defined a key shift in the traditional roles between teacher and learner through an active learning pedagogy, है ना? He argued that social technology में कौन कौन आ जाएगा, जैसे Twitter है, blog है, Facebook है, इन्होंने क्या किया है, open the door to sharing the process of learning, इन्होंने द्वार खोल दिए हैं learning के। फिर in this environment the social dimension of each interface is transparent, extending beyond any traditional learning space and allowing for dialogue among peers and between the teacher and learner in new ways. तो ये जो ट्रांसपेरेंसी का कंसेप्ट है, ये एक ऐसा सोशल डायमेंशन लाया है। इन द एनवायरनमेंट द सोशल डायमेंशन ऑफ ईच इंटरफेस इज ट्रांसपेरेंट, एक्सटेंडिंग बियॉन्ड एनी ट्रेडिशनल लर्निंग स्पेस एंड अलाउइंग फॉर डायलॉग अमंग पीयर्स एंड बिटवीन द टीचर एंड लर्नर इन न्यू वेज, है ना? तो इसकी वजह से बहुत से फायदे हुए हैं। फिर ओपन डेटा का क्या कंसेप्ट है? ओपन डेटा इज डेटा दैट कैन बी फ्रीली यूज्ड, रीयूज्ड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड बाय एनीवन। वो कह रहे हैं कि आप डेटा को फ्रीली यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट टू एट्रीब्यूट एंड शेयर। लाइक ये जब आप क्रिएटिव कॉमन्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, दी शेयरिंग ऑफ ओपन डेटा कैन बी इनक्रेडिबली बेनिफिशियल टू सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, फैसिलिटेटिंग इनहैंस साइंटिफिक कोलैबोरेशन एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी एंड स्पीडिंग द डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉल्यूशंस टू प्लेनेटरी एंड सोसाइटल नीड्स। तो आप समझ सकते हैं कितना फायदेमंद है। A big part of the potential value of data is realized by use across organizational and geographical boundaries. How does this occur legally? Increasingly, sharing of data is facilitated through the use of standard public legal tools used to engage copyright and similar restrictions. है ना? तो ये सब कह रहे हैं कि इसी में last line क्या देखिए, and data specific repositories allow users to upload and share under CC licenses. जितने भी videos मैं YouTube पे upload करती हूँ वो सब Creative Commons licenses के तहत ही होता है। आप इसको use कर सकते हैं, reuse कर सकते हैं, redistribute कर सकते हैं, ये सब और इस पर कोई copyright नहीं लगेगा, बस आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि आपने कहां से लिया है। ओके, फिर आ गया भाई क्रिएटिव कॉमन्स एंड ऑनलाइन एजुकेशन। कह रहे हैं एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, दिस राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू, हम सीक कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, इंपार्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज टू एनी मीडिया इन रिगार्डलेस ऑफ फ्रंटियर्स। सब किसी भी बाधा को ध्यान में न रखते हुए अपने इंफॉर्मेशन और आइडियाज को हम रिसीव, इंपार्ट और सीक कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19 में कहा गया है UDHR में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये भी डिजिटल ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर रहा है। OER released under Creative Commons licenses such as textbooks, courses and lesson plans, है ना? OER के फॉर्म में अपलोड किए गए, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, आपके लिए आसान है उनको ढूंढना, उनको शेयर करना, उनको कस्टमाइज करना, उनको कंबाइन करना। विद CC licenses, learners can find and incorporate freely accessible materials, reports and presentations. आप उनसे रिपोर्ट बना सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, एजुकेटर उसको कस्टमाइज कर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है ना। एंड सर्विसेज फॉर एन एनहेंस लर्निंग एक्सपीरियंस, तो हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस कितना इनहेंस्ड हो गया। हम सिर्फ अपने, पहले क्या होता था कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम सिर्फ अपने अपने टीचर से पढ़ पाते ना, लेकिन अब तो किसी से भी, कोई भी, कहीं से भी अच्छाई अगर हमको मिल रही है तो हम उसको ले सकते हैं। फिर क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग एंड ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करें तो डेविड बोलियर ने लिखा है कि गवर्नमेंट्स आर कमिंग टू रियलाइज दैट दे आर वन ऑफ द प्राइमरी स्टीवर्ड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इन्होंने ये रियलाइज किया एंड दैट द वाइड डिसमिनेशन ऑफ देयर वर्क, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजंस कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक इनोवेशन, साइंटिफिक प्रोग्रेस, एजुकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट। यानी कि गवर्नमेंट्स ने ये पाया कि वो जो भी उनकी स्टैटिस्टिक्स उन्होंने लगाई है, जो भी उनकी रिसर्च से उन्होंने पाया है, जो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की, उसको पब्लिश करें, और वो भी क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग के तहत पब्लिश करें, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी के तहत पब्लिश करें, जिससे बहुत सारे लोगों से लाभान्वित हो सके, है ना। क्रिएटिव कॉमन्स डेवलप सपोर्ट्स एंड स्टीवर्ड्स लीगल एंड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मैक्सिमाइजेस, इससे क्या होगा, डिजिटल क्रिएटिविटी होगी, शेयरिंग होगा, इनोवेशन होगा। और रोल ऑफ यूनेस्को एंड ट्रांसपेरेंसी, यूनेस्को का क्या रोल है ट्रांसपेरेंसी में, ट्रांसपेरेंसी इज हाईली रेलिवेंट टू यूनेस्को एज पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनेस्को ऑपरेट्स विद इन द फ्रेमवर्क्स ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स डिसाइडेड बाय इट्स 193 मेंबर स्टेट्स, है ना।
broadly, transparency is recognized as necessary for building peaceful, just and inclusive societies. ये तो सोसाइटी के लिए, जैसे डिजिटल ट्रांसपेरेंसी होगा तो अब हमारी सोसाइटी चूंकि डिजिटल हो गई है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी को जरूरी माना जा रहा है कि पीसफुल, जस्ट और इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। उसी तरह से ट्रांसपेरेंसी को यूनेस्को ने एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन द एथिक्स ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उसमें कितना आप इथिकल चैलेंजेस है आपके लिए, कितना आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, proposed as a key principle in the first draft of the recommendation on the ethics of artificial intelligence. Transparency को क्या कहा गया है? Often a crucial precondition to ensure that fundamental human rights and ethical principles are respected. उन्होंने कहा है कि आपका जो मौलिक मानवाधिकार है उसके उसकी रक्षा की जाएगी, उसका सम्मान किया जाएगा, है ना? फिर privacy, free expression and transparency in the digital age. ये कह रहे हैं कि प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी, देखिए दो पोल्स पे ना, कि कितना प्राइवेट रहेगा कितना ट्रांसपेरेंट होगा। तो ये कह रहे हैं कि द इंटरनेट एंड द अंडरपिनिंग ICTs हैव आल्सो इनेबल्ड अ वाइडर रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स टू एक्सेस एंड शेयर मोर इन्फॉर्मेशन ग्लोबली एंड टू मेक ग्रेटर यूज ऑफ देयर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इट हैज आल्सो बाय इनेबलिंग अ मोर इफिशियंट कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स इनलार्ज द स्कोप ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन, ऑफन प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एज अ नोशन दैट लाइज एट द कोर ऑफ द अदर पब्लिक इंटरेस्ट। ये तो समझ में आ रहा है कि हमको ट्रांसपेरेंट होना है, बहुत जरूरी है, लेकिन मिसयूज भी हो सकता है इसका। हाउएवर द मिसयूज ऑफ दिस फंडामेंटल राइट कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द आइसोलेशन ऑफ अदर राइट्स। तो क्या करें, एग्जांपल्स ऑफ सच वायलेशंस कैन बी विटनेस्ड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। इन केस ऑफ ऑनलाइन डिफेमेशन क्या हो सकता है, हमारी ऑनलाइन हमको कोई डिफेम करने की कोशिश कर सकता है, हमारा हरेसमेंट हो सकता है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है, अगर हमने सारा डेटा लीक कर दिया है, सारा डेटा ट्रांसपेरेंट है, थ्रेटन पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। तो हमको क्या करना है, देर इज अ ग्लोबल नीड टू रिस्पॉन्ड टू द अब्यूज ऑब्जर्व इन ऑनलाइन स्पीच सो एज टू अचीव अ बैलेंस। हमको एक बैलेंस बना के रखना है किसके किसके बीच में, विद अदर conflicting fundamental values and public interest, मतलब हम कितने private होंगे data और कितना data transparent होगा, इसके बीच भी हमको fine balance बना के रखना है, तब हम digital age में free expression कर पाएंगे। okay, तो ये रहा digital transparency का concept और ये कितना important है आप समझ गए होंगे। आपका OER, आपका creative commons licenses, आपका RTI act सभी transparency के promotion की वजह से ही आए हैं, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि privacy और transparency के बीच में एक balance होना। तो ये एक नया कंसेप्ट मुझे लगा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। ओके, वेलकम फ्रॉम माय सेल्फ।